अस्सलाम वालेकुम क्वेटा में हमारे साथी शाह अब्दुल्ला मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। मैं शाह अब्दुल्ला लामी का थोड़ा सा तारुफ करना चाहूँगा। ये बहुत ही जबरदस्त मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ा है इन्होंने और मुल्क में और बैरून मुल्क बहुत जगह इनकी नुमाइशें हो चुकी हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि अस्तनीस में भी ये मिनिएचर पेंटिंग और तजहीब यानी कि इल्यूमिनेशन सिखाते रहे हैं और हमारे साथ और भी प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, जैसे कि बेदिल दहलवी की शायरी पर इन्होंने बहुत ही उम्दा एक हमारे साथ नुमाइश की थी यादगार, जो कराची में हुई थी। और टीचर के साथ साथ ये हस्तनीस में क्लासिकल वोकल म्यूजिक की तालीम भी देते रहे, आजकल भी ले रहे हैं, ऑन एंड ऑफ लेते हैं और हस्तोनिस्ट एंसेंबल इन अ सेंस उसमें भी हमारे साथ रहे हैं। बड़ा अच्छा गाते हैं खुद भी, आज मगर खुद नहीं गाएंगे तो इस ये तारुफ मैं जरूर कराना चाह रहा था। आज की जो ये मुख्तसर सी शाम है, क्योंकि बलोचिस्तान के विरसे पे हम ये मुनक्किद किए हैं दो दिन, तो आज जो म्यूजिकल जो नशिस्त है मौसीकी की वो हजारगी मौसीकी के हवाले से है। और बस मैं ये कह के शाह अब्दुल्ला को स्टेज दूंगा कि ये जो पूरा दो दिन का सेमिनार है, ये लोक विरसा और हस्तनीस ने मिल के इसको मुनक्किद किया है और लोक विरसा को बहुत इसकी दाद जाती है कि इतना उन्होंने इसको आइडिया को सपोर्ट किया और हमारे साथ साथ हैं, तो इसमें इंशाल्लाह और बरकत पड़े, ये दुआ है। और शाह अब्दुल्ला मैं इस स्क्रीन से हट जाता हूँ, तो आप तारुफ भी कराएं आर्टिस्ट का और जो भी आप इस अपने जो कल्चरल जो हजारगी कल्चर के बारे में भी थोड़ा इसका बैकग्राउंड। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ममनून मशकूर हूँ हस्तनीस का और लोक विरसा का, जो कि इस बलूचिस्तान आर्ट सेमिनार में हज़ारगी कल्चर को मौका फराहम किया है। और आज जो है हमारे जो ग्रुप है उनका नाम दोतार ग्रुप है। दोतार बेसिकली फारसी में दो तार जो है स्ट्रिंग को कहते हैं और दम्बरा भी इसको कहते हैं, तो इन्होंने दम्बरा के नाम से ही अपना ग्रुप बनाया है। तो इस ग्रुप में जो गाना गाने वाले हैं वो नसरुल्ला शेदा है, फरिश्ता रिहा, लियाकत खान और मेहदी फौलादी है। तो आज आपको तीन हज़ारगी फोक सॉन्ग आपको सुनाएंगे और इनका जो पहला सॉन्ग है वो है एक बापे रहने आसमानी, और इसके जो कंपोज और जो ओरिजिनल सिंगर है वो दाऊद सरखोश है। और मैं अपने दोस्तों को कुछ इस तरह बताना चाह रहा हूँ कि हज़ारा कल्चर के बारे में और हज़ारा के तारीख़ के बारे में आज इसी बलूचिस्तान आर्ट सेमिनार में तुरानी साहब ने बहुत ही खूबसूरत हज़ारा कल्चर के बारे में ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर हज़ारा कल्चर के बारे में और आप मालूमात लेना चाह रहे हैं तो वो प्रोग्राम हस्तनीस पेज या लोक विरसा पेज पे आप ज़रूर जाएं और वहाँ से आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले जो पहला सॉन्ग है, मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो सॉन्ग आपको सुनाएं, और ये एक प्योर फोक सॉन्ग ऑफ हज़ारगी है। Thank you.
अच्छा, अब जो है जो दूसरा फोक सॉन्ग फरिश्ता रेहान है परफॉर्मेंस करने हैं, और इस सॉन्ग ये जो तर्ज है इसको मालिस्तानी तर्ज कहा जाता है। इसकी जो कंपोज़र है आबे मिर्ज़ा के नाम से, एक बहुत ही मशहूर लेडीज़ सिंगर गुजर चुके हैं, जिन्होंने हज़ारगी मौसीकी को, हज़ारगी दमबरा को एक तरह से वार के बाद दोबारा ज़िंदा करने जो शख्सियत है वो आबे मिर्ज़ा बहुत मशहूर है। उन्होंने बहुत ही इसके ऊपर मेहनत की है और काम बहुत किए। तो इसकी जो अंदाज़ है एक बहुत ही महली ट्रेडिशनल अंदाज़ है, और मैं फरिश्ता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सॉन्ग जो है आपके लिए गाए। Thank you.
मेहदी फौलादी तो कमाल है माशाल्लाह। जी मेहदी, जिस तरह मेहदी फौलादी नाम भी फौलादी है और वाकई में जिस काम तरह भी फौलादी है, काम भी फौलादी है और एक बहुत जुनूनी म्यूजिशियन है यहाँ के। और एक और बात यह है कि सबसे कमसिन सिंगर है वाकई, जो कि बहुत मेहनत के साथ, बल्कि बहुत सारी जगहों पे मशवरे भी बहुत देते हैं कि नहीं कुछ इस तरह करना चाहिए इसको, इस टाइम में। तो हाँ, तो जी अभी जो तीसरा फोक सॉन्ग गाने जा रहा है वो मेहदी फौलादी है और इस सॉन्ग को सईद अनवर भी हज़ारा कम्युनिटी के एक बहुत ही मशहूर कंपोज़र है और सिंगर भी है और बहुत सारे जनाब दम्बुरा की कई धुनें उन्होंने पेश किया है। और इसके अलावा जो है जैसे कि मैंने आबे मिर्ज़ा के बारे में ज़िक्र किया है, बिल्कुल इन दोनों का सेम उसी तरह हज़ारगी कल्चर के बारे में और हज़ारगी म्यूज़िक के बारे में इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत सारे बहुत खूबसूरत धुनें इन्होंने पेश किए हैं। तो इस ये जो सॉन्ग गाने जा रहे हैं ये भी सईद अनवर आज़ाद का है और शेर भी सईद अनवर का है और कंपोजिशन भी सईद अनवर का है। तो मेहदी आपके लिए अभी ये सॉन्ग गाएंगे।
Thank you.
अच्छा म्यूज़िक के हवाले से जितने हमें टाइम दिया गया है उसके मुताबिक ख़त्म हो चुके हैं हमारे टाइम, और आखिर में मैं बैकग्राउंड पे जो आप पेंटिंग देख रहे थे वो मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ उस्ताद जो हज़ारा कम्युनिटी के जितने भी आर्टिस्ट हैं ऑलमोस्ट उनके उस्ताद रह चुके हैं, उनको कई सालों से तरबियत दिए हैं आर्ट्स के हवाले से, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट इनके पास है, और हसन अली हातिफ गैलरी के नाम से इनका स्टूडियो है, और ये बात बहुत ही ज़रूरी है मेरे ख़्याल से कि इन्होंने जितने ज़्यादा हज़ारगी कल्चर के बारे में काम किया है, पेंटिंग बनाए हैं, और जो जिनके काफ़ी ममालिक में एग्जीबिशन भी हुए हैं, तो मैं चाह रहा था कि उनके काम भी दिखा दूँ और आपसे उनको ज़रूर एक बार मिला दूँ, तो इसके बाद फिर हम आप सबको खुदाफिस कहेंगे। ये जो काम पीछे आप देख रहे हैं ये इनका एक ख़ास स्टाइल है, और ऑयल पेंट में, वाटर कलर में, इस तरह की कई स्टाइल में काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना कल्चरल बेस्ड काम है, बहुत ज़्यादा हज़ारा कल्चर के। मुझे नहीं लगता है कि हसन अली आतिफ़ के अलावा कोई और आर्टिस्ट हो जो हज़ारगी कल्चर के ऊपर इतने ज़्यादा काम कर चुके हैं। तो ये रही हमारे आज के एक शॉर्ट प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आए, और ये भी वादा कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह कहीं जब दोबारा हमें और मौका मिल जाए इस तरह की, और थोड़े से ज़्यादा टाइम मिले, तो कुछ और चीज़ें हैं जो हम पेश कर सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम कम थे इस वजह से इतना ही आपकी खिदमत पेश कर सकें।
जी शाहबुल्ला, आपको तो मैं आपकी जो टीम है उसको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इंशाल्लाह बिल्कुल और हमें ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। जी इंशाल्लाह, मैं दोबारा आपको हस्तुनिस्त और लोकवीर सा और जो लोग आर्ट सेमिनार में बलूचिस्तान आर्ट सेमिनार में जद्दोजहद के काम किया, मैं उन सबको बहुत ममनून मशकूर हूँ उनके, और जिन्होंने वाकई में हमें इस बार मौका दिया है। और इंशाल्लाह उम्मीद कर दे कि आइंदा और इस तरह के प्रोजेक्ट में हिस्सा ले और हमें मौका दिया जाए ताकि हम अपनी सकाफत और अपनी आर्ट्स के बारे में आप सबको आगाह कर सकें। तो मैं आप सबको खुदाफिज करता हूँ और अपनी टीम की तरफ से आप सबको खुदाफिज और बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुदा निगहबान। हाफिज, खुदा हाफिज।